तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम पायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झलकार सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम सलाम ए इश्क 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 सलाम ए इश्क सलाम ए इश्क 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 सलाम ए इश्क इश्क आई लव जुबिन चावला इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ही एक हीरोइन हूँ जो सलमान को एक्चुअली सलमान भाई बोल सकती है क्योंकि इन्होंने कभी भी मेरे साथ स्क्रीन पे रोमांस नहीं किया अब भाई बुलाएंगे तो रोमांस कैसा करेगा आदमी बेशरम होगा वो आदमी जो बहन के साथ साला रोमांस करेगा ये तुम्हारा गलती है इतने बड़े अच्छे ठीक ठाक दिखने वाले आदमी को तुम भाई बनाएगा नहीं गोविंदा गोविंदा और अनिल कपूर इनके पीछे पड़े थे दीवाना मस्ताना फिल्म के अंदर और ट्विस्ट ये निकला कि मैं इनका पति निकला मगर वो एंड में आए एक मिनट के लिए और हमने रजिस्टर शादी कर ली और चलो एक बार तो मेरी रजिस्टर शादी हुई है इनके साथ भले ही स्क्रीन पर लेकिन हुई तो है यार सलमान खान मुझे बहुत सारे साल हो गए बहुत सारी फिल्में की है जब भी कोई इंटरव्यू होती है ना शाहरुख जी के साथ काम किया आपने आमिर जी के साथ काम किया सलमान जी के साथ क्यों नहीं किया तो मैं बोलती हूँ भाई ये मेरे को क्यों पूछ रहे हो आप कभी सलमान भाई को पूछो ना उन्होंने मेरे साथ काम क्यों नहीं किया एक मौका लगा था हमको साथ काम करने का हाँ। तो एक हमने फोटो सेशन किया था इनके पिक्चर आने से पहले और मेरी पिक्चर आने से पहले हमारे घर के बाहर बैंडस्टैंड के ऊपर एक हम लोग कीचड़ में रॉक्स के ऊपर जा जू के हमने एक फ़ोटो सेशन किया उसके बाद हम लोग वापस आ गए और मैं इनको उसके पहले से भी जानता था कि मॉडलिंग वर्ल्ड से कैलाश आरती हम सब तो इनका मेरा कनेक्शन था तो मेरे पास मैंने प्यार किया आ गई इनकी पिक्चर हिट हो गई तो फिर प्रोड्यूसर ने बोला हीरोइन कौन तो ऐसे यार जूही चावला को ले लो आपने तो कहा आपने ऐसा कहा मुझे रेकमेंड किया इन्होंने तो जूही चावला को ले लो इसे हाँ ले लेते ये चले गए अजय पॉल और बब्बी के जूही चावला के बाद तो ऐसे वाह क्या हुआ हो गया इसे उसने आमिर खान को रेकमेंड किया मैंने एक पिक्चर की थी उसका नाम था झूठ बोले कौवा काटे तो एक पिक्चर तो इनकी गई वहां पर अच्छा तो ये इन्होंने वो बात याद ना, रखी ना नेवर नेवर मैं ऐसी कोई बात याद ही नहीं रखता ये सब चीज़ों के मायने ही नहीं मेरे लाइफ के अंदर मैं तो चाहता था इनके साथ काम करूं लेकिन फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला जालिम समाज ठीक है अब कर लेंगे हाँ, अब कर अब लेंगे, लेंगे। माँ के रोल में ले लेंगे इनको हाँ मैं बोलने वाली थी सबसे सुंदर मम्मी मैं बनूंगी लेकिन ये जो काम करती हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है देयर इज नोबडी इवन क्लोज टू हर कॉमिक टाइमिंग इनका जो डबल टेक है इनकी जो आंख इनका जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एंड बेटर देन चार्ली चैपलिन क्या बात आपको ये पता है कि मैंने एक फिल्म की थी यस बॉस मैंने सोचा शाहरुख खान बॉस है आदित्य पंचोली बॉस है पता नहीं था बिग बॉस तो यहाँ है सलमान भाई एक्टर तो है ही बहुत अच्छी उसके ऊपर सिंगर कमाल की है बस एक सॉन्ग ना एनी छोटा सा मैं कोई ऐसा गीत गाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो जमी को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं ओके मैं झूठ बोलिया कोई ना